भारत में मिर्च की सबसे बड़ी मंडी गुजरात की खेड़ा मंडी है। जाहिर तौर पर मिर्च की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त भी यही होती है। भारत में कई ऐसे गोदाम हैं जहां मिर्ची के व्यापारी मंडी से मिर्च खरीदकर इसका भंडारण करते हैं। और ये गोदाम भारत के कमोडिटी एक्सचेंजेस से जुड़े होते हैं। ये लोग कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक को देखकर ही मिर्ची की बिक्री करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अब तो कई किसान भी इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। किसानों को अभी जून 5 तारीख को एक निर्देश आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे किसान को अब डायरेक्ट मंडियों में ही माल बेचने की दरकार को अब बंद कर दिया गया है। अब किसान मंडियों में ना जाके, बिचौलियों को ना जाके, डायरेक्ट एंड कस्टमर को भी माल बेच सकते हैं। ये 5 जून को ऑर्डिनेंस सरकार ने पास किया है। इससे मुझे लगता है किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा किसानों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने ई नाम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मंडियों का भी स्थापना करी थी, जिसमें आज की तारीख में करीबन 2.25 करोड़ किसान शामिल हो चुके हैं। 1.70 करोड़ करीबन किसान ई इनाम मंडी के थ्रू जुड़े हुए हैं। और वायदे बाजार में किसान अपनी कमोडिटी को हेज करके, जब भाव बढ़ जाए और किसान को लग रहा है कि अब इस भाव, बढ़े हुए भाव का उसको फायदा उठाना है, तो उसे लगता है कि उसके खेत में 100 क्विंटल अनाज पैदा होगा, तो वो 100 क्विंटल अनाज आज से 2 महीने बाद पैदा होगा, तो वो 100 क्विंटल अनाज की कीमत आज ही लॉक कर सकता है, भाव को बेच सकता है। इस तरीके से वायदा बाजार से किसान फायदा उठा सकते हैं।